Hey guys, welcome back to another video. दोस्तों finally Nothing Phone 2 ये आ रहा है. दोस्तों Nothing Phone 2 की इतनी खराब बिक्री होने के बाद क्या Nothing Phone 2 ये को लाना जरूरी था या फिर Nothing Phone 3 पे वर्क करना चाहिए था? क्या ये Nothing Phone 2 ये आज के टाइम में एक गेम चेंजर साबित होगा या फिर एक बिग फेलियर? आइए इस वीडियो में बात करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ. आज हम लोग बात करने वाले हैं Nothing Phone 2 ये के बारे में. दोस्तों Nothing Phone 2 ये को आखिर क्यों लाया जा रहा है, इसको जानने से पहले ये जान लो कि आखिर Nothing Phone 2 के स्पेक्स क्या होने वाला है, इसकी प्राइस क्या होने वाली है. तो इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो यहां पे ये जिस प्राइस सेगमेंट में अभी आ रहा है ना, इस प्राइस सेगमेंट का मार्केट काफी ज्यादा बड़ा है. यहां पे इस प्राइस सेगमेंट में लोग काफी ज्यादा स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं. तो इसको देखते हुए Nothing वालों ने इसके ऊपर में काफी ज्यादा रिसर्च किया है. आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा. लेकिन अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो यहां पे 25,000 के अंडर का ये प्राइस होने वाला है. वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पे स्पेक्स के बारे में ना, तो यहां पे इस बार आपको एक प्लास्टिक फ्रेम वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि नो डाउट दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक एंड ग्लिफ लाइटिंग के साथ आ रहा है. वैसे दोस्तों इस बार ग्लिफ लाइटिंग में कटौती की गई है, 3 ही स्ट्रिप आपको देखने को मिलेगी एलईडी की जो कि कैमरे के अराउंड ही होगी. वैसे दोस्तों सामने के बारे में बात करूं तो 6.7 इंच की यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी. ये LTPO पैनल नहीं होने वाला है दोस्तों, ये नॉर्मल स्क्रीन होने वाला है 120 हर्ट्ज के साथ. अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे अगर बैटरी के बारे में तो यहाँ पे 5000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी देखने को मिलेगी. नो डाउट दोस्तों 5000 mAh की बैटरी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है. दोस्तों इसका हाईर वेरिएंट 12GB रैम के साथ होने वाला है. दोस्तों इस फोन को पावर देने के लिए MediaTek Dimensity 7200 Pro चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है. वैसे तो दोस्तों Nothing वालों का कहना है कि यहां पे MediaTek के साथ कोलैबोरेशन करके इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करवाए गए हैं. खैर दोस्तों ये मॉडिफिकेशन डेली लाइफ यूजर्स में कितना ज्यादा यूजफुल होता है फोन आने के बाद पता चल जाएगा. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पे इसके कैमरा के बारे में. नो डाउट दोस्तों Nothing फोन 2 ही कैमरा यूज करता है हमेशा अपने स्मार्टफोन में, तो इस बार भी ये 2 ही कैमरे यूज कर रहे हैं. लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिजाइन में थोड़ा सा चेंजेस है. दोस्तों इस बार Nothing वालों ने वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल की जगह हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल का इस्तेमाल किया है. इस प्रकार के कैमरा मॉड्यूल आपको पहले सैमसंग में फिर गूगल के पिक्सल स्मार्टफोन में देखने को मिला होगा. लेकिन इसको थोड़ा सा टचअप देकर के ये कैमरा मॉड्यूल लाया गया जो देखने में थोड़ा सा तो वेयर्ड लगता है लेकिन कूल भी है साथ साथ, क्योंकि हमें Nothing फोन का डिजाइन मिलता है जो कि ग्लिफ लाइट के साथ आता है. दोस्तों ये जो दोनों कैमरा रियर साइड में है वो 50+50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं और दोस्तों यहाँ पे दोनों सेंसर सैमसंग की तरफ से होने वाला है. वैसे दोस्तों अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी देखने को मिलेगा जो कि सोनी के सेंसर के साथ आएगा. दोस्तों यहाँ पे नो डाउट जो स्पेक्स इस प्राइस सेगमेंट में देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. लेकिन Nothing जैसे नए ब्रांड को क्या इस प्रकार के फोन्स को लाना जरूरी है? आपने देखा होगा कि Nothing फोन 1 जब आया था वो 30,000 के ऊपर का था, तब उसकी बिक्री उतनी ज्यादा नहीं हुई थी. लेकिन जैसे वो फोन 30,000 के अंडर गया तो उसकी बिक्री काफी ज्यादा तेज हो गई. सेम वही घटना दोबारा घटी जब Nothing वालों ने Nothing फोन 2 लॉन्च किया. उसकी प्राइस काफी ज्यादा रखी गई लेकिन जैसे उसका प्राइस घटा तो लोगों ने इसको खरीदना चालू कर दिया. दोस्तों Nothing वालों का प्लान है कि इस Nothing फोन को एक प्रीमियम ब्रांड बनाना है. दोस्तों प्रीमियम ब्रांड बनाने के लिए यहाँ पे प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च करने पड़ेंगे जिसकी प्राइसेस हाई रहेंगी. लेकिन वो चाहते हैं कि जो कम प्राइसेस के गैप्स हैं वो इन छोटे छोटे फोन्स के साथ फिल करते चले. तो आपने देखा होगा कि पिक्सल भी सेम स्ट्रेटेजी अपनाता है. वो अपना एक प्रीमियम लाइनअप रखता है जहां पे इसकी प्राइसेस काफी ज्यादा हाई होती है, जैसे 6, 7, 8 वाले स्मार्टफोन. लेकिन ये जो मिड रेंज वाले सेगमेंट है वो ए वाले स्मार्टफोन से फिल करता है, जैसे 6A, 7A. उसी चीज को देखते हुए Nothing वाले भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं. Nothing वालों को ये लगता है कि ये लोग जो प्रीमियम ब्रांड बना रहे हैं तो उसके वजह से जो मिड रेंज वाला इफेक्ट ना हो जाए, इसके वजह से ये लोग इस ए वाले स्मार्टफोन से फिल कर रहे हैं. यानी कि आगे चल के आपको 3A, 4A भी देखने को मिलेगा. नो डाउट यहाँ पे Nothing वालों का प्लानिंग काफी तगड़ा है. यहाँ पे 25,000 का जो सेगमेंट है ना, वो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट का सेगमेंट है. यहाँ पे लोग काफी ज्यादा फोन खरीदना प्रेफर करते हैं. लेकिन दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में जितने भी लोग होते हैं वो ज्यादातर नॉन टेकी लोग होते हैं. उनको एक वैल्यूएबल ब्रांड का फोन यूज करना ज्यादा पसंद आता है ना कि एक नए ब्रांड. दोस्तों यहाँ पे Nothing फोन 2 ये जो इस प्राइस सेगमेंट में छलांग मारने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट स्पेक्स वाइज फोन काफी अच्छा है. यहाँ पे इसकी बिक्री भी काफी अच्छी होने वाली है. लेकिन जो एक पकड़ एक विश्वास जो है ना, उसको बनाने में Nothing वालों को अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है. अगर Nothing वालों को इस प्राइस सेगमेंट में सर्वाइव करना है तो इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास इनको अगले भी फोन्स लाने पड़ेंगे कुछ, ताकि ये इस प्राइस सेगमेंट में सर्वाइव कर पाए. नो डाउट इस प्राइस सेगमेंट में काफी ज्यादा गेम चेंजर होने वाला है ये फोन. लेकिन 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 अगर जरा से भी मिस्टेक हुई तो ये बिग फेलियर में बदलने में लेट नहीं लगेगा. आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि Nothing फोन 2 ये आखिर क्या माजरा है, यहाँ पे Nothing फोन 2 ये क्यों आ रहा है, सारी बातें मैंने इस वीडियो में बता दी. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय.